फेस चेंजेस टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से होता है, ये हम लोगों ने देखा। वही दोनों चीज़ को चेंज करने के वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटर कन्वर्जन्स हो सकते हैं। सबसे सिंपल एक इंटर कन्वर्जन देखते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो ये एक इंटर कन्वर्जन है। तो मान लेते हैं कि आपके पास सॉलिड था और लिक्विड है, आप सॉलिड से लिक्विड जाना चाहते हैं, ठीक है। चीजों को आप समझिए, आप सॉलिड से लिक्विड जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है, ये समझिए। सॉलिड का प्रॉपर्टीज ये था, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज था, स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी। सिंपल है, सबसे इजी है एनर्जी से सीखना। एनर्जी सॉलिड की कम थी, लिक्विड की एनर्जी ज़्यादा थी। एनर्जी मतलब टेम्परेचर कैसे कोरिलेटेड है, एनर्जी टेम्परेचर से कोरिलेटेड है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोई भी चीज़, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसकी एनर्जी बढ़ा देगी। अगर हम, ठीक है, यहाँ पर हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर के बारे में भूल जाइए। मान लीजिए कि हर कुछ वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है। हम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर रखते हुए हम प्रेशर को 180 रखे हैं और हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए। टेम्परेचर को बढ़ा देने के वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी इंक्रीज मतलब एक एक पार्टिकल का एनर्जी इंक्रीज हो गया। पार्टिकल का एनर्जी इंक्रीज होने के वजह से क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया और स्पेस इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और स्पेस बढ़ गया। अच्छा, तो अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है कि नहीं, बिकॉज यही तो होता है ना कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम कर दें तो वो लिक्विड, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज़्यादा है। तो यही तो हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, स्पेस बढ़ गया, तो वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गई। यही है, दिस इज व्हाट इट इज। अब यहाँ पे हम क्यों रुके और आगे बढ़ जाते हैं। सो टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से हम सॉलिड से लिक्विड चले गए। इसी चीज को हम लोगों ने बोल दिया मेल्टिंग। टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। तो यहां भी तो वही चीज लागू होना चाहिए ना, तो यहां पे भी तो वही चीज होना चाहिए। यहां से और एनर्जी हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, हम और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और स्पेस ज्यादा हो गया, और एनर्जी हाई हो गया, तो जो लिक्विड था वो गैस में चेंज हो गया। सिंपल है ना, टेम्परेचर ही तो बढ़ाए, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है। प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट रख के सोचना, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चीज़ की एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। तो अगर हम सॉलिड की एनर्जी बढ़ा दें तो धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड की एनर्जी बढ़ा दें तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, है ना। इस चीज को बोल देते हैं बॉइलिंग। नाम ही है भाई, और कुछ है नहीं। इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, वेपर में चेंज हो गया ना, गैस को वेपर भी बोलते हैं। तो लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है तो वेपोराइजेशन, एवापोरेशन नहीं। एवापोरेशन आगे देखेंगे, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, विल सी दैट। बट यू कीप इन योर माइंड कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ फेज चेंजेस, इज दैट द फेज चेंज विल अकर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर।
ऐसा नहीं कि हर टेम्परेचर पे आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मेल्ट होने लगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका 25 डिग्री पे है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाइए तो वह तुरंत से गैस नहीं होगा। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, जब 100 डिग्री पहुंचेगा ना तभी जाके वेपोराइजेशन शुरू होगा। क्यों? बिकॉज 100 डिग्री उसका वेपोराइजेशन में वैसा टेम्परेचर है जहां पे आप इतना एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं कि सिर्फ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका फेज भी चेंज हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या हो रहा है कि मान लीजिए हम आपको पैसा दिए, मान लीजिए हम आपको $100 दिए और आपको बोले आप तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम इसको खर्चा कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। अब जो $100 है वो अगर हम $50 स्पेंड कर दिए तो हम $50 ही सेव कर सकते हैं। कोई कोई $100 ही कर देगा तो $0 सेव हो पाया, है ना। कोई कोई एकदम स्पेंड नहीं किया तो उसके पास $100 बच गया, $10 स्पेंड किया $90 है तो $100। तो दिस $100 कैन बी आइदर स्पेंड और कुड बी सेव्ड। जितना ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना ही कम सेव हो पाएगा। तो ऐसा ही है जब हम किसी चीज को हीट देते हैं। यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, हीट दे के। जब आप किसी को हीट देते हैं ना तो ये हीट आप दो चीज में यूज कर सकते हैं, या तो इंक्रीज द टेम्परेचर या तो फेज चेंज। तो अगर आप 25 डिग्री पे बैठे हैं, ठीक है, अगर आपका पानी 25 डिग्री पे है, यहां पे अगर हम हीट दें, मान लीजिए ये आपका वाटर है, यहां पे हम बुनसन बर्नर लगा के इसको हीट दे रहे हैं, ये जो हीट जाएगा ना, और यहां पे एक थर्मामीटर लगा दीजिए, ठीक है, ये जो हीट जाएगा, ये हीट किस दो चीज में यूज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने में और फेज चेंज करने में। जब हम इसको पहला हीट दे रहे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कट रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लिक्विड फेज में ही है, 25 डिग्री से वो बढ़ के 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा लिक्विड में ही। उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि वॉट इज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, स्पेस थोड़ा बढ़ा। तो देखते नहीं है कि जब थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा हलचल शुरू हो जाता है, जब इसको हीट देते हैं थोड़ा हलचल शुरू हो गया, क्यों? बिकॉज एनर्जी ज्यादा है ना, वो ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देता है एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अभी भी लिक्विड में ही है। एक ऐसा पॉइंट पहुंचेगा जब और टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि ये लिक्विड वाला रीजन को छोड़ के अब इतना एनर्जी बढ़ जाएगा और इतना ही कम अट्रैक्शन हो जाएगा और इतना स्पेस बढ़ जाएगा कि ये अब फेस चेंज करवा देगा। नाउ इट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। ये 25 डिग्री 100 डिग्री तक पहुंचेगा पानी के केस में, ठीक है, ये 25 डिग्री 100 डिग्री तक पहुंचा, बड़ा 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 100। अब और टेम्परेचर और हीट दीजिए, बंसन बर्नर को चालू रखिए,
अपने स्टोव को चालू रखिए, टेम्परेचर 100 डिग्री पे आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज अरे भाई $100 है, अब खर्चा ये सेव ही ना कर सकते हैं, तो खर्चा कीजिए या सेव कीजिए। तो यहाँ पे या तो टेम्परेचर बढ़ाइए या फेस चेंज कीजिए। यहाँ पे क्या होगा ना, पूरा हीट अब उसको टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगे। यहाँ पे क्या कर रहा था ना, ये एक ऐसा केस है जिसमें बंदा आइदर टोटल स्पेंड कर रहा है, या तो $100 पूरा स्पेंड कर दिया या $100 पूरा सेव कर दिया। इस केस में आप सोचिए कि जो हीट आप दिए, या तो पूरा टेम्परेचर इंक्रीज करने में लगा दिया और या तो टोटल फेस चेंज करने में लगा दिया। तो अभी तक वो 25 डिग्री से 100 डिग्रीज में था, मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में जा रहा था, है ना। अभी 100 डिग्रीज पे पहुंच के ऐसा हो जाता है कि इतना एनर्जी बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह, इतना एनर्जी बढ़ गया कि अब थोड़ा सा भी और एनर्जी इसका बढ़ाएंगे ना, तो इतना एनर्जी बढ़ जाएगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया और स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हो गया ना कि ये सॉलिड से, ये सॉरी लिक्विड से पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। इन दैट केस व्हेन यू रीच्ड दिस 100 डिग्री, एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दैट यू गिव विल हेल्प दीज मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लिक्विड एंड बिकम वेपर। बिकॉज अभी तो ये बंधा हुआ है ना, अभी तो ये बंधा हुआ है, इसको अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो इसको खींच के रखा हुआ है अपने पास, खींच के रखा हुआ है। इसको और थोड़ा अगर हीट दे देंगे तो ये बोलेगा मेरे पास इतना एनर्जी है कि हम अब लिक्विड को छोड़ के अब हम गैस बन जाएंगे। लेकिन आपको 100 डिग्रीज पे पहुंचना पड़ेगा पहले। आप 50 डिग्री पे ये नहीं कर सकते, उस मॉलिक्यूल या हर मॉलिक्यूल को ऐसे 100 डिग्री पे जब पहुंच गया है, तब थोड़ा सा भी एक्सटर्नल हीट देने के वजह से जो लिक्विड वाला जो ये सब पार्ट, ये जो एनर्जी जिससे वो बंधा हुआ है जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो हीट लेके कन्वर्ट कर देगा गैस में। दैट विल ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिक्विड बैरियर एंड मूव अवे। तो ये हो गया वेपराइजेशन। सिमिलर होता है मेल्टिंग के भी केस में, कि यहाँ पे आप सॉलिड ब्लॉक सोचिए कि आपके पास मान लीजिए -50 डिग्री सेल्सियस पे एक आइस का एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप उसको हीट देना शुरू किए, तुरंत से मेल्ट नहीं करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। -50 से -40 हुआ, -30 हुआ, -20 हुआ, -10 हुआ, 0 हुआ। अब 0 पे जाके जो हीट हम उसको देंगे वो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में नहीं, वो फेज चेंज करवाने में लग जाएगा, तब जाके वो सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। तो सॉलिड विल मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि हर टेम्परेचर वो पे मेल्ट हो रहा है, हर चीज का अलग अलग, अलग अलग सब्सटेंसेस का, अलग अलग मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो मेल्ट करेगा। उस वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट पे ही कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। सो मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना, बिकॉज एट दैट टेम्परेचर फेज चेंज हैपन। एट दैट टेम्परेचर इट डजंट इंक्रीज एनी, एट द टेम्परेचर डजंट इंक्रीज। At melting point there is no increase in temperature. At melting point there is only one thing happening, melting. How it is happening? Heat देना पड़ रहा है, है ना। आप ऐसा नहीं कि heat नहीं दे पा रहे हैं, heat देना पड़ेगा, वो heat use होगा phase change करने में। और इसी heat को हम लोग आगे पढ़ेंगे latent heat में, कि अगर हम heat दे रहे हैं तो उसका temperature बढ़ क्यों नहीं रहा है। किसी general हम लोग का observation क्या है, हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, हीट निकाले टेम्परेचर घट गया, यही है जनरल ऑब्जर्वेशन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, फेज चेंज होता है। सो फेज चेंज इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एट दैट पॉइंट वेयर सॉलिड्स बिकम लिक्विड और लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। इन द रिवर्स केस मेल्टिंग हो रहा है, अगर हीट देने से मेल्टिंग होगा, इसका उल्टा भी तो पॉसिबल होगा, लिक्विड का हीट हटाते रहिए
फ्रीज कर दीजिए उसको, उसका टेम्परेचर को कम करते रहिए रेफ्रिजरेटर में डाल के, उल्टा हो जाएगा फ्रीजिंग, इसका उल्टा हो गया कंडेंसेशन। एक समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, है ना। सॉलिड से लिक्विड गया मेल्टिंग, लिक्विड से गैस गया वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड आया कंडेंसेशन, ठंडा कर दिए, टेम्परेचर निकाल दिए, लिक्विड को और टेम्परेचर निकाल दिए, कम कर दिए, एनर्जी निकाल दिए, हो गया सॉलिड, है ना। लेकिन जो फ्रीजिंग होगा ना, वो 5 डिग्री पे फ्रीजिंग नहीं होगा, वो 3 डिग्री पे नहीं होगा, वो -10 पे भी नहीं होगा, वो 0 पे ही होगा, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप पानी को ठंडा कर करके 25 से 20, 20 से 15, 15 से 0 वहाँ पे आया। अब अगर आप और टेम्परेचर वहाँ और हीट वहाँ से निकालेंगे तो टेम्परेचर घटाने में नहीं, फेज चेंज करने में वो लग जाएगा, ठीक है। सो दैट पर्टिक्युलर थिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छिपा हुआ, हिडन। तो हिडन क्यों? बिकॉज हमको टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं दिख रहा है, इसे लोगों को लग रहा भाई हिडन है, बट हिडन क्यों? हीट तो दो चीज़ में जा सकता है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने में, फेस चेंज करने में। तो वो वाला जो एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ यू आर ट्राइंग टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। एट 100 डिग्री सेल्सियस और एट द बॉइलिंग पॉइंट दैट हीट विच गोज इन साइड टू कन्वर्ट द लिक्विड इन टू द गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। उल्टा भी होगा, लिक्विड से सॉलिड में जब जा रहे हैं फ्रीजिंग, उस टेम्परेचर पे हीट निकलेगा, उस पर्टिक्युलर पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बट फेज चेंज करवाने के वजह से हीट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये सब इजी है, मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होगा, सॉलिड टू लिक्विड गया, लिक्विड टू गैस गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो हीट है ना, दो चीज़ में यूज़ हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने में और फेज चेंज करने में, ठीक है। इसी पे यूट्यूब पे बहुत ही डिटेल्ड एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट पे, इस पे एक पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है, विल डिस्कस दैट हियर ऑल्सो, बट वहाँ पे हम लोगों ने, आई लिंक दैट वीडियो बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई लिंक दैट यूट्यूब वीडियो। इट्स वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि फेस चेंज कैसे होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे चेंज करते हैं, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, क्यों आइस इज मोर बेटर कूलिंग एजेंट दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाई स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर डेंजरस टू यू दैन वाटर, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर डेंजरस टू यू दैन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर सेम है बट फेज के, फेज जो लेटेंट हीट ऑफ बॉयलिंग के वजह से स्टीम बिकम्स अ मोर पोटेंट हीट कंटेनर, है ना। दिस आई लिंक दैट वीडियो, ठीक है। वी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ अ थिंग कॉल्ड द फेज डायग्राम। सो फेज चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं फेज डायग्राम से। सो दैट वीडियो इज ऑल्सो आई लिंक इट हियर, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेज चेंजेस। नाउ वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली ग्रो गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस भी जा सकते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। यू डोंट हैव टू गो थ्रू लिक्विड फेज। ये ज्यादा समझ में आता है व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द फेज डायग्राम जिसका वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप वो वाला वीडियो देखिए और यहां वहां पे आप समझ पाएंगे कि सॉलिड टू गैस डायरेक्टली क्यों जा सकता है या कैसे हुआ। ये मेरे को समझ नहीं आता था कि यार सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं, लिक्विड तो बीच में आएगा ही ना, कैसे गैस चला गया, बीच का कहां गया। सो फेज डायग्राम अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या 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 हो सकता है, अगेन द सेम थिंग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सब्लिमेट कर जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स,
कपूर देखें, नैप्थलिन बॉल्स देखें, ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि नैप्थलिन बॉल जो कपड़े को रखते हैं ना डिसइनफेक्ट करने के लिए, मतलब कपड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लिक्विड नहीं होता है, वो सॉलिड नैप्थलिन बॉल्स दी और वो फिर गैस फॉर्म में चला जाता है ना डायरेक्टली विदाउट इवन कमिंग टू अ लिक्विड फॉर्म। कैम्फर, कपूर जो पूजा वगैरह में कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं कपूर, है ना। फिर इंडस्ट्रियल अगर केमिकल लैब्स में अगर देखा जाए तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड फॉर्म में ले आएँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर अगर हम उसको किसी तरह दे दें तो डायरेक्टली CO2 गैस बनाता है, CO2 लिक्विड नहीं बना पाता है, तो एकदम आइस की तरह दिखता है। लेकिन वो ड्राई आइस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो लिक्विड से डायरेक्ट गैस में जाएगा और मेल्टिंग नहीं दिखाएगा, लिक्विड नहीं दिखाता, इसलिए ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज इट सब्लिमेट्स डायरेक्टली इनटू CO2 विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस। नाउ व्हाई प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग जो भी यहाँ पे कारोबार कर रहे थे ना ये 1 atmospheric प्रेशर पे कर रहे थे। प्रेशर चेंज अगर करते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्यों? अब देखिए, प्रेशर आएगा कंप्रेसिबिलिटी से, है ना, कंप्रेसिबल वाला जो फंडा हम लोग पहले देखे थे कि प्रेशर चेंज करने से क्या होगा कि अगर हम गैस को प्रेशराइज कर दें, गैस का अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, द इंटर पार्टिकुलर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बिकॉज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड गैस से लिक्विड में जाएगा। तो प्रेशर के बढ़ाने से भी कुछ कुछ फेज चेंजेस होते हैं। एक सिंपल यही है एग्जाम्पल, गैस टू लिक्विड, प्रेशर सिर्फ प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर को कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्रेशर बढ़ाइए। ये भी हम लोगों ने प्रेशर को भी फेज चेंज से एक्सप्लेन किया है। प्लीज लुक इन टू दैट वीडियो, आई एम लिंकिंग दैट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस। इट्स अ वेरी वेल मेड वीडियो विद गुड डायग्राम्स एंड वेरी वेल एक्सप्लेन। लुक इन टू दैट वीडियो, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यू विल हैव सच इनसाइट इन टू दिस प्रोसेस ऑफ फेज चेंज जो कि सिर्फ यहाँ पे बोल के नहीं समझाया जा सकता। यू आर स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल, दैट्स वाई यू आर हियर। आई वुड एनकरेज यू टू गो इन टू दैट एंड अंडरस्टैंड फेज चेंज मोर डीपली, अंडरस्टैंड दैट फेज डायग्राम, एंड थ्रू दैट फेज डायग्राम यू हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ फेज चेंजेस दैट आर देयर। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड वॉट प्रेशर इज, वॉट टेम्परेचर इज, एंड हाउ यू कैन चेंज दिस टेम्परेचर प्रेशर एंड इंड्यूस मेल्टिंग और वेपराइजेशन और कॉन्डेंसेशन फ्रीजिंग एंड इंड्यूस फेज चेंजेस बिटवीन मॉलिक्यूल बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर। यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इफ यू गो थ्रू द नेक्स्ट वीडियो वॉट अ फेज डायग्राम इज, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट लेटेंट हीट्स आर। ठीक है, सो आई होप यू आर लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो है उसमें थोड़ा एवेपोरेशन को थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ वेपोराइजेशन, लाइक दैट इज दैट ऑल्सो converts liquid to gases but in a very different, in a very special way. So let's look into evaporation next.